नमस्कार, रैड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं अमहरा गांव में। इस गांव की खासियत है कि यहां की एक बड़ी आबादी काफ़ी शिक्षित है और यहां के लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं और अच्छे पदों पर देश भर में तैनात हैं। हम यहां जन की बात करने आए हैं, यहां के लोगों से उनकी मन की बात जानने आए हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ये किसे सपोर्ट करेंगे और ये किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से उनकी मन की बात। ये बताइए कि 2019 के लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं और आप किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, क्या सोचते हैं इसको लेकर के आप? वोट तो अब कि उनको मन है हमारे कि बदला जाए तो अच्छा है रामकृपाल जी, कि हम लोग का पानी का यह दिक्कत है। चल के आए हैं, देखे कि अब कितना धान सूख रही है, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। हम आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है, रामकृपाल यादव जो बीजेपी के सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है और यहाँ की जनता, अभी मेरी कई लोगों से बात हुई है, उनके काम काज से काफ़ी नाराज़ है। क्यों नाराज़ हैं, क्या वजह है, क्यों काम नहीं करते? हम लोग का पानी का बहुत दिक्कत है, पीने के लिए भी दिक्कत है भाई, कोई कहाँ ध्यान सरकार कर रहे हैं। रामकृपाल जी आते देखते कहाँ गलत नहीं है, कहाँ दिक्कत है, ये सब कहाँ कोई दिक्कत देख रहे हैं। धान हमारे लोग का बीघा सूख रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। रामकृपाल जी जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं, फिर मतलब क्यों नहीं आते हैं क्षेत्र में? कभी नहीं आते हैं हम लोग सर, कभी यहाँ कभी आए, जीत के आए हैं तो कभी आए यहाँ, क्या आप लोग का क्या दिक्कत है, नहीं है, जनता मर रहा है कि नहीं मर रहा है। ये घड़ी तो पानी, आजकल भी पानी बार बहुत दिक्कत है, कल चल के देख लिया जाए सूख गया है नहीं, आए थे देखते कि सूखा कि नहीं, पानी की व्यवस्था करें या नहीं करें। हम लोग पानी बार पीने के लिए भी मर रहे हैं, धान तो अलग की बात है कि सूख रहा है भाई, पीने के लिए भी वो मरेंगे। बात करें बिहार की तो बिहार में कहते हैं कि दो लोग हैं, एक नीतीश जी हैं, एक तेजस्वी यादव हैं, तो अगर आपको चुनना होगा दोनों में तो किसे चुनेंगे? हम तो आपकी वोट देंगे तेजस्वी जी का। क्यों? क्योंकि नया चेहरा है, हो सकता है कि हम लोग का हल करें। क्या और उनमें ऐसी क्या खासियत है कि उनको आप वोट करेंगे? वोट नया चेहरा है, हो सकता है कि हम लोग का हल करें, नया चेहरा पर हम चुनेंगे उनको। आप बताइए कि अगर आपको बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? मैं तो तेजस्वी यादव को चुनूंगा, नवयुवक हैं हमारे, और ये जो नीतीश कुमार हैं ये अभी ये दारू बंद हुआ, बालू बंद हुआ, कितना गरीब लोग मजदूर लोग मर रहा है काम करने के लिए, दारू बंद से बहुत लोगों का, तो ये पहले लोग सोचता था कि ये दारू बंद है तो कामयाबी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा लोग गरीब के ही लोग जेल में हैं दारू के पीने में, तो बहाना है। पहले था कि दारू पकड़ाएगा तो 10 साल जेल होगा, ये कोई चीज़ नहीं है। ये तो यहाँ के बीटा थाना पर भाड़े भी आते हैं, पकड़ते हैं गरीब को, और वो जातियात पात के नाम पर ये करते हैं कि ज़्यादा है उसको बंद करो और अदर कास्ट को छोड़ देते हैं। इसलिए नीतीश जी से हम लोग नाखुश हैं, हम लोग तो अगला सपोर्ट करेंगे तो तेजस्वी यादव को करेंगे, हमारे नए चेहरा हैं, नए आरजेडी से बहुत पहले से हम लोग जुड़े हुए हैं, ना आज तक हम बीजेपी को चुने हैं ना चुनेंगे। एक बात बताइए, मोदी सरकार के 4.5 साल पूरे होने वाले हैं, मोदी सरकार के 4.5 साल के काम काज को आप कैसे आकलन करते हैं? मोदी सरकार हम लोग भी जिस उम्मीद से चुने थे कि हमारे बहुत सारा वैकेंसी, लोग कहता था कि लालू के रिजन में कोई भी बहाली नहीं हो रहा है, लालू से नाखुश होकर जनता लोग दिया था नरेंद्र मोदी को कि ये नया प्रधानमंत्री बने, हम लोग को बहुत उम्मीद दिलाई थी कि ये चीज़ कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन 4 साल में आज तक न कोई बहाली निकली न कोई है, तो फिलहाल अभी ग्रुप डी रेलवे का है जो फॉर्म भरा रहा है कैंसिल हो रहा है, फॉर्म भरा रहा है कैंसिल हो रहा है, ग्रुप डी का बहाली निकलता है 20,000, जिसमें फॉर्म डलाता है 2 करोड़, इतना बेरोजगारी लोग हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, न कोई बहाली आ रही है न कुछ, और बड़े बड़े हमारे गाँव में हैं, ग्रेजुएशन है, इंटर लेवल है, इंजीनियर है, सब लोग घर बैठे हुए, लेकिन कोई काम धंधा उस लोग को नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार 4.5 साल हो गया है,
उनके काम को आप कैसे देखते हैं? लगता है कि वो आपके उम्मीदों पे खरे उतरे हैं? जो वादा किया था उसे पूरा किया उन्होंने? कहाँ किए सर, बालू बंद हुआ, बालू बंद होने के कारण तो है कि पूछे कि तो टोटल तो है कि किसान से लेकर तो है कि बड़का बड़का गाड़ी वाला और तो है कि टोटल चीज तो है कि किसान तक, लेबर तक, मिस्त्री तक टोटल खत्म हो गया। और कहा कि तो है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मोदी सरकार कहाँ कुछ किया। बिहार में नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? क्यों? क्योंकि तो है नया तो है चेहरा है, नया तो है खून है, नया ताकत निकाल दे हम लोग के कर देवे नीतीश कुमार के करे हम लोग नीतीश कुमार के वोट दिए। नीतीश कुमार बालू बंद कर दिया, बालू के चलते कितना लेबर तो रह खत्म हो गया, कितना मिस्त्री खत्म हो गया, कितना ही यहाँ तो रह के दिया नहीं जल रहा है, कितना ही तो रह के भोजन नहीं चल रहा है। गाँव में शराबबंदी है? शराबबंदी कहाँ है, शराब चालू है। नीतीश कुमार कहता है कि शराबबंदी है, शराब कहाँ से बंदी है, शराब चालू है, मुसारी में बन रहा है। कोई अपना ज्यादा पैसा वाला धन संपत्ति वाला है वो अपना ला के तोरा कह के यूपी से या कहीं कहीं से अपना अति कर रहा है, कमा खा रहा है, गरीब इसमें मारल जा रहा है। आप बताइए कि मोदी जी के 4.5 साल के काम को कैसे देखते हैं? 4.5 साल में आपके उम्मीदों पे खरे उतरे, वो कहते थे कि हम किसान के बेटा हैं, चाय बेचने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनके बातों में दम था? कोई दम नहीं है, हमारा तो लगता है कोई विकास नहीं हुआ बिहार में, बिहार में कोई विकास नहीं हुआ सर। उन्होंने किसानों को लेकर बहुत जैसे MSP बढ़ाया, तो आपको उसका फायदा मिलता है? हम लोग का कोई फायदा नहीं है सर, किसान को कोई फायदा नहीं है। ये बताइए कि मोदी जी के 4.5 साल के काम काज को कैसे देखते हैं आप? मोदी जी जिसे कहने का मतलब है मेरा कि जिसे मोदी जी किए हैं तो सही है किए हैं, लेकिन गरीब आदमी उनसे नाखुश है, गरीब आदमी नाखुश है। जो आधार कार्ड वाला भी जो हुआ सिलसिला, हम तो कहते कि यहाँ तक है कि बहुत ऐसा व्यक्ति है जो 200-400 कमाने वाला, जो रोज का मजूरी करने वाला व्यक्ति है, वो आज तक आधार कार्ड भी नहीं जमा कर पाया। अगर आधार कार्ड जमा करने भी बैंक में गया है तो अपना एक दिन का काम काज छोड़ के गया है, इससे उसका पूरा परिवार को एक दिन भूखा सोना पड़ा। बिहार में अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? हम तो चुनेंगे तेजस्वी यादव को। क्यों? काहे से कि नया पीढ़ी है, नया यंग है, इसलिए हम लोग उनको चुनना चाहते हैं। नया पीढ़ी है, नया आगे चल के हम लोग को ये कहीं कुछ कर पाए, सब लोग को तो देख लिए, अब ये नया बने हैं, अब इनको यही देखना है हम लोग को। क्या आपको लगता है कि अगर तेजस्वी यादव बनेंगे तो बिहार का जो बिहार की जो तस्वीर है वो बदलेगी? 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 80% अनुमान है कि बदल देंगे। ये बताइए कि मोदी सरकार के 4.5 साल का जो कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या आप आकलन करते हैं? क्या आपको लगता है कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं? वादे तो बहुत किए थे लेकिन पूरा कहाँ हुआ, वादे बहुत किए लेकिन पूरा नहीं हुआ। फिर उसमें क्या होगा, सब्सिडी पहले गैस जो मिलता था हम लोग का 400 में मिलता था, 400-450 में, आज के डेट में 1000 में गैस मिल रहा था। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, वो इधर से लूट के उधर बांट रहे हैं, कर रहे हैं क्या? आप बताइए कि मोदी जी जो का 4.5 साल हो गया है, उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं? एकदम नहीं, जीरो, उनका जीरो हुआ वादा। आप क्या करते हैं? किसान को लेकर वो कहते हैं कि किसान का जो फसल का रेट है उसको हमने दुगना कर दिया, क्या आपको इसका फायदा मिलता है? कुछ नहीं, सारा के सारा बात उनका झूठा है। किसान को एक आज किसान को लहलहा रहा है धान और जल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। बिहार सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये लोग एकदम कहते हैं कि डबल इंजन। कैसा डबल इंजन इन लोगों का है भाई, कहते हैं कि डबल इंजन का सरकार है। गरीब मजदूर बालू रोक देने से साल भर खाना बाहर मर गया, गाड़ी वाला अलग, जो बेचारा मध्यम क्लास का जो ट्रैक्टर ट्रक जो लिए हुए है वो भी मर रहा है, वो भी उतना ही परेशान है मजदूरी के साथ साथ। इनका जो है सो बड़े बड़े पूंजीपति जो अंबानी और सुब्रत राय जैसे लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, न कि आम जनता तक लाभ आ रहा है।
इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर अगर वोट डालने की बारी आएगी तो किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? मैं गैर भाजपा के छोड़ करके किसी अन्य पार्टी को मैं वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भाजपा को सर नहीं, भाजपा गठबंधन को नहीं। आपके यहाँ रामकृपाल जी सांसद हैं, रामकृपाल जी को कहा जाता है कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जमीन से नहीं जुड़े हुए हैं, अब वो अपर क्लास से जुड़े हुए हैं। जिस दिन थे उस दिन थे, आज वो अपर क्लास से जुड़े हुए हैं। हम कहते हैं कि अपर क्लास से जुड़े हुए। बात करें बिहार की, तो बिहार में अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तो आप किसे चुनना पसंद करेंगे? मैं नवयुवक हूं और नवयुवक नेता जिस तरह से प्रदेश में मुद्दा उठा रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके नेतृत्व में मैंने वोट देने जा रहे हैं और देंगे। क्यों, ऐसी क्या बात है तेजस्वी में जो आप उनको वोट देंगे? क्या आपको लगता है कि उनको आने से बिहार की जो तस्वीर है वो बदल जाएगी? निश्चित तस्वीर बदलेगा, क्योंकि जितने भी पुराने नेता हैं उनसे उनका छवि अभी साफ है, इसलिए कैसे कहा जाए कि उनके नेतृत्व में गलत होगा। आप बताइए कि बिहार में अगर दो में से एक को चुनना है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव में, तो आप किसे चुनेंगे? तेजस्वी यादव। क्यों? क्योंकि आप बताइए, जो मोदी जी ने वादे किए थे, अब उनके कार्यकाल के 4.5 साल पूरे हो गए हैं, वो पूरे हुए हैं? कहाँ कुछ पूरा हुआ, कुछ नहीं, खाली तो पेपर में आता है, वो अपने ही काम कर रहे हैं, जनता का लाभ दिए। हर हमेशा कहते हैं कि शौचालय बनाइए, कहाँ किसी को, जब शौचालय अपना बना ही लेगा तो पैसा कुछ ही देंगे? हैं, अपना जब सरे रहता बनाने के लिए तो अपने आदमी बना के स्वयं नहीं रह जाता, बना लेंगे तो देवेंगे। किसानों को लेकर के उन्होंने कहा कि किसानों के फसल के दाम दुगने कर दिए गए हैं। दुगना कर दिया गया है, बताइए तो, पहले भी 1460 के बिकता था, आज भी 1460 के रेट है, कहाँ कर दिए, 2800 कर दिए, कहा तो यही रहे, वो कहाँ कह रहे हैं, हम जनता भी लाभ कहाँ मिल रहा है, कहा जनता के मिल रहा है, सिंचाई फ्री मिल रहा है, कहा बोरिंग पर कोई सब्सिडी दे रहे हैं, कहा नीतीश जी दे रहे हैं, अब तो गरीब जो कमाने वाला 250-300 के रोजगारी पर कमाता था वो बेचारा तो आज के डेट में वो भी मर रहा है, बालुए नहीं है तो कमाएगा कहाँ, कुछ ही माटी को खाली कमाएगा, खाएगा क्या, कमाए नहीं करेगा तो खाएगा कुछ ही। बात वोट देने की आएगी तो किन मुद्दों पर वोट देंगे? हम मुद्दा पर किसी को नहीं, जो पार्टी जैसा बुझाएगा वैसा देवेंगे, कोई जरूरी है कि किसी को देवेंगे? बात कीजिए बिहार में अगर आपको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में किसी एक को चुनना है तो किसे चुनेंगे? हम लोग लालू यादव के बेटा के देवेंगे, उनको जानते हैं कि नीतीश से क्या जानते हैं। क्यों 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 सिर्फ क्यों डालेंगे आप उनको वोट? क्यों डालेंगे उनको, सरकार में तो कम से कम गरीब जीता खाता था, आज नीतीश जी कह रहे हैं कि दारू बंद हो गया, दारू कहाँ बंद हो गया, धरहरे से 100 रुपये बोतल बिक रहा है, 120 रुपये बिक रहा है, जो गरीब 250 कमा करके 50 रुपये में दारू पिए घर जाता था वो तो आज 100 रुपये का न पी रहा है। आप बताइए कि मोदी जी के 4.5 साल हो गए हैं, उन्होंने जो वादे किए थे देश से, क्या उन्होंने पूरे किए? देखिए मोदी जी का जो अभी तक 4.5 साल का जो कार्यकाल बीता है वो बिल्कुल फ्लॉप साबित हुआ है। जिस प्रकार से अभी अभी जो सुनने को मिल रहा है, कुछ देर पहले ऐसा न्यूज फ्लैश हो रहा है कि इलाहाबाद स्टेशन का भी नाम बदल के कुछ दूसरा रखा जाएगा, जिस प्रकार से मुगलसराय जंक्शन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल नाम रख दिया गया, उससे क्या उस स्टेशन का विकास हो गया? अगर अभी देखा जाए जितना भी लोग बेरोजगार युवा है अगर वो अपना नाम बदल के अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी अगर रख ले तो क्या उसका रोजी रोटी चल जाएगा? आज इलाहाबाद का नाम बदल करके कुछ और रख दिया जाएगा, कल पटना जंक्शन का नाम बदल के कुछ और रख दिया जाएगा, उससे क्या स्टेशन का विकास हो जाएगा? नहीं, उनका कहना है कि नाम इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि जो मुगल सराय था वो मुसलमानों मुगल के जो हमारे देश पे शासन किए, हमारे देश को लूटा, उनके नाम पे नहीं होना चाहिए, हमारे देश के बड़े नेताओं के नाम पे होना चाहिए। देश के बड़े नेताओं पर होना चाहिए, ठीक है, तो आप आगे जो है कि उनके स्मृति में कुछ अलग दूसरा पहचान बनाइए,
क्या मुगल शासन काल में मुगलसराय का नाम मुगलसराय था, तो क्या वो एक पहचान नहीं रहेगा क्या आगे वाले आने वाले समय में मुगलसराय जंक्शन का? क्या पंडित दीनदयाल का उपाध्याय जो रखा गया तो उनके स्मृति में कुछ अलग चीज नहीं बन सकता था? कोई स्मृति आप पुराने इतिहास को बदल रहे हैं, तो क्या पुराने इतिहास को लोग भूल जाएंगे? आप केवल हिंदू और मुस्लिम की बात करना चाह रहे हैं, तो क्या आप तो इस तरीके से हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई छिड़ाना चाहते हैं? आप मुगल शासन को विलुप्त करना चाहते हैं? क्या उस इंडिया में रहने के लिए नहीं है वो अलग है क्या? अगर आप इस तरीके का बात करेंगे, कल होकर के आप जितने भी बिहार में इंडिया में जो बौद्धिक धार्मिक स्थल हैं उनको नाम बदल करके कुछ आप दूसरा रखना चाहेंगे, तो ऐसा कोई सभ्यता और संस्कृति से आप खेल कर रहे हैं? और जहां तक युवाओं का बात है, 15 लाख रुपया देने का बात है, तो क्या 15 लाख रुपया आप जनधन खाता खुलवा दिए? अभी तक कितने लोगों के खाते में 15 लाख रुपया आया? इनका जवाब दें मोदी जी, 4.5 साल कार्यकाल उनका बीत गया, किसी तरीके का कोई जो है युवा से लेकर के बूढ़ा बुजुर्ग तक, आप अभी देख लीजिए पेंशन योजना कितने लोगों के खातों में पेंशन योजना जा रहा है? सही जो हकदार है उसको नहीं मिल रहा, जो हकदार नहीं है उसको मिल रहा है पेंशन योजना। तो क्या है 4.5 साल में बिल्कुल फ्लॉप साबित हुआ है अभी तक मोदी जी का कार्यकाल। और हम पूरे बिहार के मैक्सिमम युवा आज हमारे माननीय आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ, हमारा युवा हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा और आगे जब भी वैसा मौका आएगा उनके साथ खड़ा रहेगा। और बात करें केंद्र में वोट करने की 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो आप किन मुद्दों पे करेंगे और किसे करेंगे? अभी हमारा मेन मुद्दा होगा जो पिछड़ों का, दलितों का, मुस्लिमों का, इन लोगों का विकास जो है बिल्कुल रुक चुका है इनके कार्यकाल में। ये केवल बस अग्री जाति लोगों का विकास चाह रहे हैं और उन लोगों को ही ये आगे बढ़ा रहे हैं, और जो पिछले दबे कुचले जो लोग हैं, अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, ये लोग जो पिछड़े हैं उनको बढ़ाने का काम ये नहीं कर रहे हैं, ये बस केवल अग्री जाति के लोगों को आगे देखने का काम कर रहे हैं और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बताइए आप करते क्या हैं पहले? अभी तो सर हम लोग एक किसान हैं। आप किसान हैं, मोदी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं, मोदी जी ने किसानों से बहुत वादे किए थे, हम किसान के बेटा हैं, हम चाय बेचने वाला हैं, तो क्या आपको लगता है कि 4.5 साल बाद उन्होंने जो देश के किसान और आम लोगों से वादे किए थे वो पूरे हो गए हैं? नहीं, वो तो हम ही लोग कैसे समझ में आ रहा है, हमारा जो है कि जमीन चला गया है सर, IIT में अधिग्रहण हुआ, उसमें तो पूरे पूरे पैसा भुगतान नहीं देते हैं, तो हम लोग को बराबर कैसे कर करके कुछ कुछ निकालना पड़ता है। वो तो जो है से किसान के लिए बहुत तरह के वादे करते हैं, को वादा जो है हकीकत धरती पर तो किसान के सामने आ ही नहीं रहा है, तो कैसे कहा जाए कि मैंने किसान के लिए वो बहुत मसीहा है और किसान के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हमको तो ना ऐसा लग रहा है। यदि किसान को ऐसा होता होगा तो अपना कुछ देखते होंगे कि किस किसान को उनसे लाभ हो रहा है। आखिर जो छोटे वर्ग क्या किसान है, तू तो ऐसा ही पिछले से पिछला है और इसमें तो और मानो पीछे चला गया है। हरदम किसी तरह का जो बात होता है किसान के लिए तो कुछ बेनिफिट नहीं बुझाता है। यदि धान उन कुछ उपजाता है गरीब लोग, उसको बेचने के लिए पैक्स बताते हैं, ये बताते हैं रेट में भी वही दशा है, उसको ले जाइए नहीं लेते हैं, सर जाता है दाम, कहते हैं कि आज धान बेचिए कल आपका भुगतान होगा, तो महीनों लग जाता है, 2-4 महीना लग जाता है। ये बताइए कि मोदी जी ने कहा कि हम किसानों के अनाज के जो हैं उसके MSP को बढ़ा दिया है, दुगना कर दिया है, तो क्या जो आपके अनाज हैं उसके दुगने दाम मिल रहे हैं? नहीं सर, हमको तो पता नहीं चल रहा है कि दुगने दाम मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है तो हमको पता नहीं चल रहा है, तो यही हमारा काम खत्म हो जा रहा है। मिले किसे जो उपजाने में इतना लागत हो रहा है वो ही भरपाई नहीं पूरा हो रहा है, वो घर ही से समझिए कि जा रहा है, जो कमा खा करके किसी तरह से मजदूरी वगैरह जो कर रहे हैं वो तो उसी में चल जा रहा है। बात करें वोटिंग की, 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग की, तो किस आधार पे आप वोटिंग करेंगे? तो सर अब देखेंगे कि जो किसान के प्रति हैं और कुछ ऐसा जनता, गरीब जनता के प्रति जो है से कि करते हैं उनके आधार पर उनका वोटिंग होगा, कोई जरूरी है सर कि मोदी जी के ही वोट दिया जाएगा? बात करें बिहार की, तो बिहार में सुशासन है? नहीं सर, हमको तो नहीं लगता है, वो यहाँ तो सर उनके राज्य में तो पूरा जो है से कि शासन जो है ना कि उनके अफसरशाही साजन हुए सर, 16 साल बाद के लिए सर प्रखंड स्तर पर ही चले जाए हम लोग, थोड़ा सा कुछ काम है किसी को मैंने गरीब का मालगुजारी रसीद कटवाना हो या कुछ
मैंने उस तरह का पेपर तैयार करना है। छोटा बात लेते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनाना होता है तो उसको 6 महीना साल बोला जाता है, वो भी नहीं मिल पाता है। तो कैसे कहा जाए कि सर उनके शासन में हम लोग गरीब जनता चाहे किसी तरह का व्यक्ति जो है उनसे मैंने ये है। बिहार में इन दिनों तेजस्वी यादव का काफी नाम है, जैसे नीतीश जी चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी नाम है। तो अगर चुनाव होते हैं और आपको नीतीश जी और तेजस्वी यादव में दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? सर अभी तो हम नहीं बता पाएंगे, वो तो समय के मुताबिक बताएंगे सर, अभी फाइनल नहीं कर पाएंगे कि इनको कैसे मैंने चुना जाए। 15 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं नीतीश जी, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, खास करके शराबबंदी को लेकर उनका दावा है कि मतलब हम देश की जनता और खास करके देश की राज्य की आधी आबादी को हमने बहुत मतलब बड़ा तोहफा दिया है शराबबंदी करके, आपको क्या लगता है? हाँ सर, इस ये बात है सर कि शराबबंदी से सुधार हुआ है, लेकिन उसे लगता है कि सुधार होते हुए जितना सुधार में है सर ना, उतना ही फिर उतने आगे बढ़ते चले जा रहा है। इसलिए बढ़ते जा रहा है कि जो जिनको बचाने के लिए चाह रहे थे कि 2 पैसा जो कमा रहा है वो बचे सुरक्षित, वो तो फिर उसमें जाइए रहा है बराबर। जैसे कि देखते हैं कि फलाने ट्रक से चाहे इतना बोतल धराया तो उसका कुछ थोड़ी पता चलता है। तो जब आपके यहाँ बंदी है तो फिर धराया कहाँ से? जब आप बंदी कर दिए यहाँ, मैंने शराब मुक्त कर दिए, शराब बंदी हो गया तो आप ही की जैसे कि रोज धरा रहा है, सारी बात बता रहे हैं, लेकिन उसे हमको मतलब नहीं, बिक रहा है ठीक है, लेकिन वो तो बंद कराइए दिए। यहाँ जैसे कि साबित हो रहा है कि बंद हो गया, अब बराबर जो है से कि पकड़ाइए रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। जो गरीब जो है मान लीजिए कमा करके आता है सर, उन लोग का आदत बना हुआ है कि मैंने पावत पियेंगे, तो आज भी वो जो है से कि पी ही रहा है, वो जेल जा रहा है तो जाने दीजिए, फिर तो यही में करता है। जो माने शराब वाला जो है बेचता है लोग, जो उस तरह का माफिया लोग है, वो तो जाता है या फिर वो आता है, वो तो उसका आना जाना वो बन गया एक नंबर। आओ ये बंदी से तो उसको आराम हो गया। आप इतने राजनीतिक रूप से जागरूक हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि आप दो में से किसी एक। ना सर, अभी तो नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा। आप बताएं कि मोदी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं, मोदी सरकार ने किसानों से देश की जनता से जो वादे किए थे क्या वो पूरे हो गए? वादा तो पूरा नहीं हुआ है सर, खाली नीतीश जी और मोदी जी खाली पेपर में करते हैं वादा, वादा कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग से को जमीन अधिग्रहण हुआ है, IIT में लिए हैं, 10 साल हो रहा है, मुआवजा नहीं मिला है, जो 4 गुना देने के लिए बात थी। तो और हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनके चमचे पुलिस थाना करके और हमको FIR करके और फंसाने की कोशिश करते हैं। और जब होते हैं किसान भी शहीद हुआ कितना लोग, और उसके बाद भी बावजूद भी नहीं जैसे मिला है। यहाँ के कहे थे कि 4 गुना देंगे रेट, वो भी नहीं दिए, न रोजगार वहाँ में मिल रहा है जो जिसका जमीन गया उसका, और किसी तरह के मैंने यहाँ मजदूरी भी नहीं मिल रहा है। जो भी संस्थान बने हैं बाहरी आदमी को रखता है, लेकिन गांव के जो जमीन दिया है उसके यहाँ कोई परिवार नहीं रहता है। इसलिए हमको बुझाता है कि कोई सरकार को वोट उठ देंगे नहीं, हम लोग वोट उठ देने के फेक्स में नहीं है, किसी को भी वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे कोई भी। सब गरीब देखिए इलेक्शन आ गया, सब नेता अपना चल रहा है, कितना लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड बोलते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम बैकवर्ड फॉरवर्ड हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे जब तक मुआवजा जैसे उचित नहीं दिया जाएगा, सब परिवार को नौकरी नहीं दिया जाएगा। जो कानून है, कानून के तहत हम लोग को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, जो तो हम लोग इलेक्शन एकदम अवरिगत कर देंगे। मोदी रहे, लालू रहे, कोई रहे, कोई किसी को नहीं है यहाँ पे। आपके क्षेत्र से का प्रतिनिधित्व, संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राम कृपाल यादव करते हैं, तो उनके कामकाज को कैसे आप? कुछ ना कहेंगे हम, किसान के प्रति कोई सी को जागरूक नहीं है, वो बड़े बड़े माफिया बड़े बड़े घराना को धर के अपना करते हैं काम, और उसका नीचे वाला को प्लेन करते हैं, ठीक ना। और वो इलेक्शन में लालू जी हो चाहे नीतीश जी हो, सब छोटे छोटे को बैकवर्ड फॉरवर्ड में बांट के वोट लेने का खाली काम करते हैं, और किसी को सुविधा नहीं मिलता है। हम देख रहे हैं 15 साल 20 साल से देख रहे हैं, जो जहाँ है जहाँ है, किसान को कहाँ मिला है अभी तक? जो उसमें तो गरीब से लेके अमीर ले गया है जमीन, किसी को मिला है उसमें? ना रोजगार मिला है, ना किसी पैसा मिला है। और हम लोग धरना प्रदर्शन कर जाते हैं तो FIR कर देता है, घर पर कुर्ती जब्ती निकाल देता है, यही तो कर रहा है। यहाँ के दलाल लोग भी नाम दिवा देते हैं। ये बताइए कि बिहार में सुशासन है? सुशासन कहाँ है जी? सुशासन रहता तो जैसे कि हमको ईमानदार रहते नीतीश जी, तो यहाँ किसान के आगे बीच में हमने स्वेच्छा से हम लोग जमीन दिए थे, निकाला जा रहा है, स्वेच्छा से हम लोग जमीन दिए थे विकास के नाम पर, और हम लोग को बुर्बक बना के बेवकूफ बना दिए किसान को, और गोली धरना प्रदर्शन करते हैं, उसमें कितना लोग मर भी गए हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं है, ठीक ना। अब शासन अच्छा से रहता तो थाना पुलिस सब तो यहाँ से दारू फारू सब बेच ही रहा है, बालू तालू सब काम हो ही रहा है,
बात करें बिहार में दो नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में से किसी एक को चुनने की, तो किसे चुने? किसी को अभी हम नहीं चुनेंगे, हम किसान एकदम, अभी वोट हम नहीं किसी को देने जा रहे हैं। हम लोग को जब तक किसान के उचित मुआवजा और जो बात कही थी नियम कानून के तहत नहीं दिया जाएगा, हम लोग वोट नहीं देंगे। आप क्या करते हैं? हम तो ड्राइव ही करते हैं सर, हम तो ड्राइवर हैं। ड्राइवर हैं? आप मोदी सरकार से खुश हैं? नहीं, हम खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम गरीब जात के गरीब हैं, हम लोग कुछ नहीं मिला अभी तक नहीं। गैस का चूल्हा सरकार ने धन धन योजना, नहीं गैस चूल्हा परिवार योजना कुछ नहीं मिला है। समझ लीजिए खाली राशन मिला है, बस राशन मिलता है वो कमे लेकर का कमे यूनिट है। बिहार में नीतीश जी के काम काज से खुश हैं? नहीं, हम नीतीश जी तो रोड बनाए तो हम लोग का गाड़ी है, हम लोग का घोड़ा है, हम लोग का साइकिल तो वो नहीं है कि हम लोग चला सकते हैं। नीतीश कुमार यही तो करें कि जहाँ तहाँ रोड बनाए गए, पुल बनाए, यही सब तो किया क्या वो? हम लोग का नौकरी वैकेंसी तो सब बंद करे हुए हैं, कौन से हम लोग करेंगे? हम लोग हरजन है बेटा, पढ़ पढ़ के आइए, दो दो तीन तीनों करके वैसे बैठा हुआ है घर, क्या करेगा? वैकेंसी बंद है। वोट देने की बारी आएगी तो वोट किसी को नहीं मिलेगा, हमारा गांव में नहीं मिलेगा किसी को। वोट सब एकता है, यहाँ बैकवर्ड रहे चाहे फॉरवर्ड रहे, चाहे हरजन रहे, चाहे महादलित रहे, चाहे दलित रहे, यहाँ तो बहुत ही नहीं, इकट्ठा हो जाएगा, पंचायती एजा हो जाएगा, कोई वोट नहीं देगा किसी को नहीं। हाँ रामकृपाल, रामकृपाल जी के तो सर बात सही है कि हमारे एमपी हैं, सब चीज हैं, कुछ कुछ योजना लॉन्च भी किए हैं, जैसे छोटा मोटा एक हम योजना लेना चाह रहे हैं, कुछ सौर ऊर्जा का एक लाइट वगैरह है, इसमें हमारे पंचायत में उनका एक भी यहाँ से वोट उनको भी मिलता है, यहाँ से हमको पूरे पंचायत में हमको नहीं लगता है कि सौर ऊर्जा का लाइट सर कहीं दिए होंगे यहाँ। और खास करके हमारे मोहल्ला में उनका क्या है स्थिति से कुछ पता नहीं चलता है ना, कुछ विकास के काम नहीं हो पाता है। अब कैसे उनका कहा जाए, रहे तो बढ़िया सब चीज़ ठीक ठाक रहे, लेकिन समझ में नहीं आता है कि कहाँ ये लोग डीलिंग करते हैं। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क, आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।